Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. It's Nitika Datta. So let's begin a new topic, linear equation. Very important topic of mathematics, algebra. So students, in this chapter we are going to study about the system of linear equations. Linear equations, because we are to take more than one equations here. So मैं चल रही हूँ 6th-7th क्लास से, वहाँ से सारा रिकॉल कर 10th में पहुँचते हैं. तो 6th-7th ऑनवर्ड्स आप क्या पढ़ते हो? आप सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की स्टडी करते हो जो कि इस फॉर्म में है. द जर्नल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, राइट? एग्री करते हो ना? वन वेरिएबल मीन्स क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. और अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री हमेशा होगी 1. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक 0 हो गया तो ये b इक्वल्स टू 0 कोई भी सेंस नहीं रखता, राइट? दूसरी बात, फिर हम आगे आए 9th ग्रेड में, वहाँ पर हमने पढ़ी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फिर 9th ग्रेड में क्या हुआ, हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, प्रोवाइडेड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी, ये लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल्स की. एग्री करते हो? पढ़ के आए हो ना? दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट? तो अब क्या है, अब हम दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हम इसलिए पढ़ रहे हैं जो हमने 9th ग्रेड में पढ़ा. सपोज हमने 9th ग्रेड में ये वाली लीनियर इक्वेशन पढ़ी, या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, और जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास बनी एक स्ट्रेट लाइन. तो मैं आपको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगी, y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे ही बनता है, आप बना के भी देख सकते हो. और जब आपने पढ़ा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, राइट? 9th ग्रेड में हमने सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन की थी. अब हमारे पास 10th ग्रेड में साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस आने जा रही हैं. कौन सी लीनियर इक्वेशन? साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस मींस एक या एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशंस का मतलब है स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज लीनियर इक्वेशन मीन्स ओनली अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप एक लीनियर इक्वेशन लेते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अगर आप दो लीनियर इक्वेशंस लेते हो तो आपको वहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी. जैसे सपोज मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये ग्राफ आ गया आपका x इक्वल्स टू वाई का, ठीक है, ड्रॉ करना आता है आई होप सबको. और अगर सपोज मैंने इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया तो मान लो कि शायद ये लाइन ऐसी होगी, शायद, मैं ये नहीं बोल रही कि लाइन ऐसी ही होगी, शायद ये लाइन ऐसी होगी. आप ड्रॉ करके देखोगे, अब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, इंटरसेक्ट. अब देखो बेटा, रियलिटी में अगर आपके पास दो लाइंस होती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये देखो मेरे पास ये दो लाइंस हैं, या तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, या ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ऑन ए कॉमन पॉइंट, या फिर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. परपेंडिकुलर होंगी तो मींस इंटरसेक्ट ही करेंगी. दोबारा देखो, या तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर ये लाइंस कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक लाइन के ही दूसरे ऊपर लाइन पड़ी हुई है, ठीक है? तो हमने यही स्टडी करना है. तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए वन बी वन सी वन आर द कॉन्स्टेंट्स एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, वेयर पहली बात तो ए वन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी बात बी वन भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तीसरी बात कि अगर दोनों का स्क्वायर करते हो वो भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये तो एक कंडीशन होगी हमारी ए वन की, राइट? सिमिलरली अगर हम ए टू की बात करें, सेकेंड लाइन की बात करें, ए टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है? अगर हमारे पास ऐसी कंडीशंस में दो लाइंस हैं, नॉट दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, समझ गए? ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी दो लाइंस हैं तो इन लाइंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो मेरी दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, या मेरी लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, या फिर मेरी लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी. हम जब छोटी क्लासेस में थे ना,
तो हम ऐसे खेलते होते थे कि ऐसे पेन फेंक देना, शायद आप भी खेलते होगी, तो कई बार पेन के ऊपर पेन आ जाता था, ये पेन आएगा नहीं बिकॉज ये दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं, सरफेस इनका वो है स्लोपी है, ये मतलब क्या कहेंगे इसको, वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, चलो आप समझ गए होगे होप सो, कि स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा। लेकिन जब हम छोटे थे तो कई पेन ऐसे होते थे कि एक पेन के ऊपर दूसरा पेन आ जाता था, हम बहुत खेलते थे अपनी, मैंने तो बहुत खेला है 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, शायद 10th में भी खेला होगा। चलो आगे चलते हैं, तो ये लाइंस होगी कोइंसाइड, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो वो लाइंस होती हैं कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी लाइन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, प्लीज नोट डाउन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, सो लाइन मे इंटरसेक्ट, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, लाइन मे इंटरसेक्ट, मे का मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, सेकेंड मीन्स लाइन मे पैरेलल हो सकती है, एंड द थर्ड इज लाइन मे कोइंसाइड, कोइंसाइड मीन्स लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाना, जैसे कि हमारे हाथ ओवरलैपिंग हो जाना, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाना, ठीक है, तो ये होती है कोइंसाइड करना कि नीचे वाली चीज़ हमें दिखाई ना दे, तो ऐसी लाइंस भी होती हैं। लेकिन होता कब है ये, अब देखो कभी भी आपको इक्वेशंस मैं दे दूं और बिना देखे बोलूं कि चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ ये कौन सी लाइंस हैं, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स सेटअप किए हैं और वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि लाइंस के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लाइंस, सॉल्यूशंस ऑफ लाइंस, राइट। एंड स्टूडेंट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए भी तो वो भी लिख सकते हो, कोई आपको वहाँ पर गोली नहीं मारने वाला कि अगर आपने टीचर को नेगेटिव लिख दिया तो टीचर ओवर रिएक्ट करेगा, नो बेटा इट्स नॉट लाइक दैट। देखो आप स्टूडेंट हो, यू आर इम्प्रूविंग इन योर स्टडीज, आई एम टीचर, आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग माई स्टडीज, तो ये दोनों साइड चलेगा, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। जितना आप नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे कि ये मुझे इम्प्रूव करना है, उतना ही टीचर इम्प्रूव करेगा और वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, राइट। सो लेट्स डू द सॉल्यूशंस ऑफ लाइन। तो सॉल्यूशंस ऑफ लाइन में हमें क्या स्टडी करना है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, क्या करना है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब देखो बेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर किसी भी लीनियर इक्वेशंस का, मतलब जो हमारी साइमल्टेनियस है, दो हैं, हम दो के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी 10th में 11th 12th में, आप तीन के बारे में स्टडी करोगे, एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा, मतलब 3D में स्टडी करोगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, और वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कंसिस्टेंसी में हमारे पास बेटा दो सॉल्यूशंस होते हैं, या तो सॉल्यूशन हमारा यूनिक होता है, इट इज़ फॉर यूनिक सॉल्यूशन, and this is for infinitely many solutions, ठीक है। तो consistency का मतलब कि या तो दो lines का एक ही solution होगा, unique होगा, और या फिर कौन सा solution होगा, infinitely many solution होगा। और inconsistency में क्या होता है, inconsistency में बेटा होता है no solution, इसकी एक ही type है no solution, मतलब lines का कोई सोल्यूशन नहीं है, आपस में दो लाइंस का लेना देना नहीं है, इन शॉर्ट दोनों लाइंस की आपस में लड़ाई हो रही है, बिल्कुल नहीं बुलाते एक दूसरे को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बुलाते। और जैसे अगर मैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस की बात करूं, तो यहाँ पर मैं बेस्ट फ्रेंड्स ले सकती हूँ, आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, ट्रू फ्रेंडशिप। यूनिक का मतलब कि एक आधी क्वालिटी ही कॉमन है, लेकिन ये बन नहीं रही वैसे, यहाँ तक ठीक है, यूनिक नहीं बन रहा है मेरे से रियलिटी में। हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों फ्रेंड्स में एक यूनिक क्वालिटी है,
लाइक दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं या फिर दोनों बहुत ही नलायक हैं, ये भी तो क्वालिटी हो गई ना। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों बड़े नलायक हैं, क्वालिटी हो गई। यूनिक नहीं कहेंगे हम इसको, बट हाँ चलो सेम क्वालिटी है। तो हमारे पास कंसिस्टेंसी में कौन से सॉल्यूशंस आएंगे, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, और हमारे पास इनकंसिस्टेंसी में कौन से सॉल्यूशंस आएंगे, नो सॉल्यूशन, मींस लड़ाई हुई या बिल्कुल नहीं बुलाना, मतलब ही नहीं है कोई बुला ले एक दूसरे को, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कब कब होंगे, कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब मिलेंगे और नो सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफिकली डिस्कस करते हैं कि हमें सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, राइट। तो बेटा देखो, हमने सबसे पहले दो लाइंस ली, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, दीज आर टू लाइंस। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स आर द कॉन्स्टेंट्स। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, व्हेन बोथ लाइंस, कौन सी लाइंस, ये ऊपर वाली दोनों लाइंस, व्हेन बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली देखो बेटा, जब भी मेरे पास दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड यूनिक पॉइंट, और ऐसी लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें यूनिक सॉल्यूशंस ही मिलते हैं, क्योंकि जब भी हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं और हम उनको ड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाकर मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट। तो ये है डेफिनेशन यूनिक सॉल्यूशन की। और देखो बेटा, अगर सपोज आपकी कोई लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, लाइन की कोई लेंथ डिफाइन नहीं है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, अगर मैंने उसको बाउंड किया है, ये लाइन है, लाइन को आप इधर भी इंक्रीज कर सकते हो, इधर से भी इंक्रीज कर सकते हो, और सिमिलरली ये भी लाइन है, तो ये जो पॉइंट होगा, अगर जाकर लाइन ने तो आगे मिलना ही मिलना है, चलते ही जाना है, ठीक है, जैसे रेल की पटरी होगी, रेलवे ट्रैक, राइट। तो आप आगे आगे जाते जाओ, इधर से भी जाते जाओ, कहीं ना कहीं जाकर तो इसने मिलना ही है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस एंड दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट। चलो पहले, वेल स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगेन आई हैव टू लाइंस, सो व्हाट आर द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, व्हेन बोथ लाइंस हैव, व्हेन बोथ लाइंस हैव इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। तो बेटा ये कैसी लाइंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स कैसे पॉसिबल हैं दो लाइंस के। देखो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिलता है, तो हमें तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स चाहिए। लाइक अगर मुझे दो लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट चाहिए, तो मुझे एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, समझ गए हो ना। तो ये कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसाइड लाइंस होंगी, यहाँ पर कोइंसाइड लाइंस विल बी देयर, राइट, समझ गए, कोइंसाइड लाइंस विल बी देयर। तो एक लाइन के ऊपर लाइन आएगी, तभी आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे बहुत सारे। अगर कोई लाइन ऐसे छू कर पास से निकल भी जाती है ना, तब भी आपको एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा। इनफाइनेटली मैनी कॉमन पॉइंट तभी मिलेंगे जब आप इस लाइन को 180 डिग्री पर रोटेट कर इस लाइन के ऊपर ही रख दोगे, ठीक है। तो दिस गिव्स अ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, जो कि कंसिस्टेंसी का ही एक पार्ट है। मतलब लाइंस कंसिस्टेंट तो हैं, लेकिन हमें एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं कोइंसाइड लाइंस। एंड द थर्ड पार्ट इज इनकंसिस्टेंसी में हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। और बेटा जल्दी से बता दो, ये हमें कब मिलेगा, ये हमें तब मिलेगा जब हमारे पास नो कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, ठीक है। हम तो दो लाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे, हमने ज़्यादा नहीं करना, ऑफ ऑल द लाइंस इतना नहीं, सिर्फ दो के बारे में डिस्कशन करनी है, ग्रेड टेंथ है, दो ही लाइंस के डिस्कशन होगी। नो कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, तो बेटा कैसी लाइंस होंगी, वही रेलवे ट्रैक, वही वाले फ्रेंड्स जो लड़ पड़े हैं, बेस्ट फ्रेंड्स थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं बुलाते एक दूसरे को, राइट। तो यहाँ पर कोई भी आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, आप चाहे लेफ्ट से इंक्रीज करो, चाहे आप राइट से इंक्रीज करो, आपको कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट इट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द मोटिवेशन, फॉर द इंस्पिरेशन। सो टिल देन रिवाइज योर वर्क, थैंक यू।